हो चुके हैं टोटल इस बार के थे कृष्ण द्वापायन, आगे होने वाले अश्वत्थामा जी, वशिष्ठ जी व्यास हो चुके हैं, पराशर मुनि व्यास हो चुके हैं। तो व्यास एक पद है, व्यास जी का काम क्या है कि जो शास्त्र कालांतरण में लुप्त हो गया है उसको दोबारा पुनर्प्रकट करना और 100 करोड़ के पुराण को जो है 4.5 लाख श्लोक का पुराण बनाना। इस प्रकार जो वेद को लिपिबद्ध करना है, जो उपनिषद है वो वेदों का मुंड माना गया है और उपनिषद के अनुसार जो है ब्रह्मसूत्र है। तो जब व्यक्ति वेद पढ़ता है तो उसको कर्मकांड ज्ञान होता है और ब्रह्मसूत्र पढ़ने जो है आपकी ब्रह्म जिज्ञासा होगी। कर्मकांड करेंगे तो फल जो है अच्छा नहीं रहेगा, आपके अकाउंट में आया बैलेंस आपने स्वर्ग में गए उपभोग किया दोबारा नीचे फेंक दी जाएंगे। पर ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्म जिज्ञासा जो है, इससे जो है क्या होगा, मोक्षा अनुलब्धि, मोक्ष उपलब्धि होगा ब्रह्मसूत्र पढ़ने से। पहला श्लोक है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा करिए, कर्मकांड कर लिया, धर्मशास्त्र पढ़ लिया, सारे ये गवन कर लिए, अब जो है अब ब्रह्म जिज्ञासा करिए। इसका प्रूफ क्या है कि ब्रह्म कौन है? तो जन्मादेश, जिसके द्वारा सृष्टि का जन्म पालन और संहार होता है वह जो है ब्रह्म है। प्रूफ क्या है? शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र कहते हैं कि भगवान सब कुछ जन्म होता है, ठीक है, तो फिर होता है तो फिर कैसे वो करते हैं, हृदय कैसे व्याप्त है? तो उसमें लिखा हुआ है तत्तु अन्नतस्याम, मतलब भगवान जो है हर चीज में व्याप्त है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है और जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो भगवान जो है निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है इस सृष्टि का। ये जो है चार व्याख्या हुई है।